दुबई में टी20 विश्व कप के पहले मुकाबले में भारत की शर्मनाक हार, पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार, पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। भारत के 152 रन के लक्ष्य को बिना विकेट गवाए 18 ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान से हार के बाद भारत का 29 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1992 से वर्ल्ड कप में मुकाबले में पाकिस्तान से कभी नहीं हारा भारत। टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में नहीं चले बल्लेबाज। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन और गेंदबाजों के हालात के मुताबिक गेंदबाजी में नाकामी से हारा भारत। 13 बॉल पर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा 0 पर तो केएल राहुल 3 रन पर ही आउट हुए। कप्तान विराट कोहली ने 45 गेंदों में अर्धशतक जोड़ा, लेकिन छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नहीं चले भारतीय गेंदबाज। भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर में ही पाकिस्तानी बल्लेबाज रिजवान ने चौका और छक्का लगाया। कोहली को पावर प्ले में ही वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपनी पड़ी। पाकिस्तान ने पहले 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 43 रन बनाए। बाबर और रिजवान का फुटवर्क, प्लेसमेंट और टाइमिंग काफी बेहतर दिखा। भारत के दोनों स्पिनरों ने 8 ओवर में ही 61 रन लुटाए, जबकि तेज गेंदबाजों में नहीं दिखा पैनापन। मैच हारने के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में छाई मायूसी। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या से सबसे ज्यादा नाराज दिखे लोग। भारत से मुकाबला जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम को पीएम इमरान खान ने दी बधाई, मैच देखते हुए फोटो ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी का आज यूपी दौरा। सिद्धार्थनगर में यूपी के लिए 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी करेंगे। वाराणसी को 5200 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ भी करेंगे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के करीब 80% काम पूरा हो चुका है। 30 नवंबर तक काम पूरा होने की उम्मीद। दिसंबर में पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन। शाह सुबह पुलवामा में जवानों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडलों से मिलेंगे, शाम में रैली को संबोधित करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा की आखिरी चौकी पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। अमित शाह ने जम्मू के मकवाल में बीएसएफ पोस्ट पर जवानों का हौसला बढ़ाया। भारत की सीमा के अंतिम गांव मकवाल पहुंचे अमित शाह। ट्विटर पर लिखा, मकवाल में ग्रामीणों से मुलाकात की, कहा देश के संसाधनों पर राजधानी और सरहद के गांव में रहने वाले लोगों का बराबर हक। जम्मू के भगवती नगर में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का नया सफर शुरू हुआ, अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जम्मू की रैली से अमित शाह ने बताया विकास वाला प्लान, कहा 2022 तक राज्य में 51,000 करोड़ का निवेश होगा। 2 साल में जम्मू कश्मीर में मेट्रो की शुरुआत होगी। जम्मू में गृहमंत्री अमित शाह ने आईआईटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी और सेना का 1 जवान जख्मी। शोपिया में 1 नागरिक की मौत, 1 आतंकी भी घायल। मन की बात में पीएम मोदी बोले, भारत ने हमेशा विश्व शांति के लिए काम किया, कहा धरती को बेहतर बनाने में भारत का बड़ा योगदान। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की महंगाई को लेकर सुबह 11 बजे राज्यों की बैठक बुलाई, स्टॉक सीमा को लेकर की जाएगी समीक्षा। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव, दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर थे मौजूद। पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ पहुंचे लालू, कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। पटना में राबड़ी देवी के घर में एंट्री न मिलने से नाराज तेज प्रताप धरने पर बैठे। खबर मिलने पर बेटे को मनाने पहुंचे लालू राबड़ी, तेज ने पिता लालू यादव के पैर धोकर लिया आशीर्वाद।
बिहार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का बड़ा आरोप, कहा पिताजी से मिलने नहीं दिया गया। एयरपोर्ट पर जगदानंद सिंह ने मेरी बेइज्जती की। जमानत मिलने के बाद पहली बार लालू यादव पटना पहुंचे, कांग्रेस से गठबंधन पर बोले, ऐसी पार्टी से गठबंधन करके जमानत जब्त करानी है क्या। लालू ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास का मजाक उड़ाया, विवादित टिप्पणी की। भक्तचरण दास ने आरजेडी पर बीजेपी से समझौते का आरोप लगाया था। बिहार कांग्रेस के नेता राजेश राठौड़ का लालू यादव पर पलटवार, बोले लालू यादव ने अनुसूचित जाति का अपमान किया, खेद व्यक्त करें। मिशन यूपी में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ, भदोही में 373 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है, जबकि पहले परिवार ही प्रदेश होता था। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो कहते थे मेरा परिवार मेरा विकास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोलघर में बनी पूर्वी यूपी की पहली मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया, कहा अतिक्रमण और जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल का विवादित बयान, बोले 2022 का चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दों पर होगा, राष्ट्रवादी लोग बीजेपी को वोट देंगे और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले दूसरी पार्टियों को। और आइए अब आपको कुछ और खबरों का अपडेट देते हैं फटाफट अंदाज। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, बोले बीजेपी वाले अयोध्या में श्री राम लला की दर्शन यात्रा में केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। झांसी में प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के लिए जगह न मिलने पर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 27 अक्टूबर को प्रियंका का महिलाओं से संवाद कार्यक्रम है। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मीटिंग होगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा बंगाल में हिंसा के बीजेपी के आरोप बेबुनियाद, त्रिपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारी सांसद को पीटा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर दिया विवादित बयान, बोले पीएम मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह खुले सांड हो गए हैं, इन पर नकेल कसो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की प्रयागराज में सुबह 11 बजे बैठक होगी, बैठक में महंत नरेंद्र गिरी के बाद खाली हुए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेत्री अनन्या पांडे से आज फिर एनसीबी की होगी पूछताछ, आर्यन के साथ ड्रग्स चैट को लेकर 2 दिन में 6 घंटे तक अनन्या पांडे से सवाल जवाब हो चुके हैं। क्रूज ड्रग्स केस में नया मोड़, मामले की गवाह के पी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सईल का दावा, सादे कागज पर एनसीबी ने जबरन दस्तखत कराए, 18 करोड़ रुपए की हुई थी डील, अपनी जान का खतरा भी बताया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।